अगर बात किया जाए आज के समय में क्या होता है कि अगर 3 या 4 व्यक्तियों ने टेस्ट कराया तो एक का फैटी लीवर तो आ ही जाता है। क्या रीजन है फैटी लीवर के और क्या समस्या है ये फैटी लीवर और ये क्या क्या नुकसान कर सकती है? जी सर, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि फैटी लीवर ना अपने आप एक बहुत बड़ी समस्या है, पर हम जनरली एलोपैथिक डॉक्टर्स की तरफ से मैं बोलूंगी या जनरली लोगों के बीच में एक मिथ है कि फैटी लीवर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी का फैटी लीवर है आज की डेट में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पैदा हुए थे तो आप फैटी लीवर के साथ पैदा नहीं हुए थे, आप एक नॉर्मल एक हेल्दी लीवर के साथ पैदा हुए थे। क्या कारण हुआ कि आपका लीवर फैटी हो गया? कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं फैटी लीवर होने के। हमारा क्या लाइफस्टाइल है, हम क्या खाना खा रहे हैं, किस तरह से हम लोग अपनी हमारा सुबह सोने का रात को सोने का क्या टाइम है, सुबह उठने का क्या समय है, और फिर हम जो ऑयली जंक फूड फास्ट फूड स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, समय से खाना नहीं खा रहे हैं। रात के 11 बजे हम अपनी पूरी थाली सजा के बैठते हैं और अच्छे से भरपेट खाना खाते हैं और उसके आधे से 1 घंटे बाद हम लोग सो जाते हैं। अल्कोहल इंटेक इतना ज़्यादा लोगों का बढ़ता जा रहा है, पार्टीज़ का एक ट्रेंड बन गया है जो हर ओकेजन है, कोई भी ओकेजन है पार्टीज़ होना इम्पॉर्टेंट है और पार्टीज़ का मतलब अल्कोहल है। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से हम लोग फैटी लीवर से ग्रसित हो जाते हैं। फर्स्ट इनिशियली हम लोग स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 और एट लास्ट आप देखते हो कि पेशेंट एक क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में कन्वर्ट हो गया है, पेशेंट सिरोसिस की तरफ चला गया है, और फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट करवाइए, उसके बाद हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाइए। तो क्यों ना हम उस स्टेज पर पहुंचने से पहले ही, जब वो एक जड़ लगी है आपके घर में, जब आपके शरीर में, तभी हम उसके निवारण के लिए सोचें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फैटी लीवर को हम एक सीरियस बीमारी के रूप में लेके चलें ताकि उससे जो जुड़ने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, उनसे हम लोग अपने आप को बचा सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।